शनिवार के दिन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बखरिया के प्रधान अध्यापक अरुण कुमार के द्वारा छात्र छात्राओं से अवैध नजराना लेने के संबंध में अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा। सूचना पाकर पंचायत के मुखिया पति एक बाली राम पहुँच गए और मामले को शांत करवाया। इसकी सूचना मझौलिया पुलिस को भी दी गई। आक्रोशित अभिभावकों ने मझौलिया सुगौली मुख्य पथ को जाम कर रोष प्रकट किया। आक्रोशित अभिभावकों ने प्रधान अध्यापक अरुण कुमार को उन्हीं के कक्ष में बंधक बना लिया। सूचना पाकर मझौलिया थाना अध्यक्ष अभय कुमार विद्यालय में पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। प्रधान अध्यापक को मुक्त कराया गया। प्रधान अध्यापक अरुण कुमार ने बताया कि उत्तर माध्यमिक विद्यालय में 3 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हुई है, जिसमें एक बीओ के ऑफिस में तथा दूसरा डिटेंशन पर, जिसमें एक भी बीओ के ऑफिस में तथा दो डिटेंशन पर बीपीएससी में कार्य कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद वीओ कार्यालय में पदस्थापित हैं। अमित कुमार वीपीएससी कार्य में प्रतिनियुक्त हैं। एक शिक्षक आयतुल्ला हैं, जो अपने बेतिया स्थित कोचिंग कर रहे हैं और आए दिन विलंब से पहुंचते हैं, जिसके चलते पठन पाठन में बहुत दिक्कत होती है। इसी को लेकर छात्रों के अभिभावक और छात्र जमकर बवाल काट रहे हैं और सड़क को जाम किया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं तो उनके द्वारा अवैध नजराना वसूल को लेकर के यहाँ के आक्रोशित अभिभावकों ने मझौलिया सुगौली पथ को मैंने करीब करीब उसको बंद ही कर दिया। अगजनी भी की और बड़ी थी, बहुत से हो हंगामा हुआ। इसकी सूचना पाकर पंचायत के मुखिया पति इकबाली राम, जो यहाँ के समाज सेवी हैं, यहाँ समाज में उनकी बड़ी पहचान है, वो यहाँ आए और मामले को शांत कराए और प्रशासन को सूचना दिया। अभी फिलहाल में अभी थाना अध्यक्ष अभय कुमार यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो एचएम है अरुण कुमार, उनको अभिभावकों ने आक्रोशित होकर के उन्हें बंधक बनाया है। वार्ता चल रही है, जल्द ही इसका कोई निदान निकलेगा। इस समय यहाँ मुखिया पति इकबाली जी हैं, इसे समझेंगे क्या मामला है। ग्राम पंचायत राज बखरिया के मुखिया पति इकबाली राम, मुझे इससे पहले भी सूचना मिली थी। मैं यहाँ चलकर आया और मार साहब से पूछा है, मार साहब से कि मार साहब आखिर यहाँ दिक्कत क्या चीज़ का हो रही है। मार साहब ने बोला कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे और बच्ची, इसमें 1000 बच्चा है, लेकिन 1000 भी मार साहब के खिलाफ नारा उठाया कि हम लोग से मार साहब ने एडमिशन करने में 200 रुपया लेता है, टीसी काटने में 100-150 रुपया लेता है, और हम लोग बोलते हैं कि मार साहब नजायज ढंग का पैसा क्यों लेते हैं। तो ये बोले, हमसे भी बोले कि अगर मुखिया आया आज आकर बोलकर चले गए नहीं लेना है तो कल से हमने 200 रुपये लेंगे। और उसके बाद इन्हें मास्टर साहब ने क्या कर रहा है कि शौचालय का ताला बंद कर देता है, बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है। ये जितने बच्चे इसमें है और बच्चियां हैं, मास्टर साहब द्वारा अवैध ढांचे से देखा जा रहा है। अच्छा, और इसमें इसके लिए आप विभाग को भी कहीं पत्र लिखे हैं, जो ऐसे ऐसे मैंने जो प्रभारी यहाँ पर दिया है हेडमास्टर, उसको विभाग को वापस ले ले और यहाँ पर दूसरे किसी अच्छे हेडमास्टर को भेज दें। हमारे यहाँ जांच आया था चनपटिया वीडियो का, उन्होंने लिखा कि हाँ हम उनको ये कर देंगे, बदली करवा देंगे, उन्हें जांच का कर चले गए। उसके बाद बीओ साहब का कई बार हमने भावुक कह रहे हैं कि ये हेडमास्टर यहाँ से चले जाएंगे तो स्वाभाविक है पूरे बच्चा और पूरे यहाँ का जनता और प्रतिनिधि भी सब कुछ चाहता है कि मास्टर साहब यहाँ न रहे, ताकि बखरिया पंचायत का जो स्कूल हाई स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल जो है, जो शांति से रहे। यही तो बात है मार साहब, या मार साहब भी मैंने हम लोग का स्कूल लाइक टीचर नहीं है। मेरा पर्चा इकबाली राम मुखिया पति ग्राम यहाँ पर इस विद्यालय में अभिभावकों के द्वारा एचएम को बंधक को बना दिया, कहीं प्रशासन के सहयोग से सब यहाँ पर सब हो गया, मुक्त हो गए। अभी यहाँ पर एचएम के पास पहुँचे हैं कि समझेंगे कि क्या यहाँ सभी आरोप जो लगाया जा रहा है अवैध नजराना को लेकर के, आपके संज्ञान में कभी आया था कि नहीं अवैध नजराना? मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया था। यह अवैध नजराना के बारे में आज बच्चे हाई स्कूल के बच्चे आप पहले बच्चों से पूछते कि क्यों हंगामा जी, आपने यह पूछा नहीं जी। हाई स्कूल के बच्चे ही यह हंगामा किए थे, कारण पढ़ाई न हो, पढ़ाई के चलते हंगामा किया। पूरा यहाँ पर क्या हुआ था कि सड़क जाम करके लोगों द्वारा आगजनी की गई, जिस पर आक्रोशित अभिभावकों ने आपके ही रूप में ताला जड़ दिया। जब प्रशासन जब आई ना, तब हम लोग को जानकारी हुआ कि ऐसे ऐसी बात है, ताला नहीं जा रहा। पढ़ाई के बारे में बच्चों ने कहा कि शिक्षक नहीं है, पढ़ाया नहीं जा रहा, तब कहने की यह तो मेरी गलती नहीं है, आप लोग जो करना है। इस संबंध में आपने विभाग को कभी लिखा है कि शिक्षक विभाग ऑलरेडी जान रही है कि हाई स्कूल खोल दिए हैं, शिक्षक नहीं है, 3 वो शिक्षक प्रतिनियुक्त है,
जिसमें से एक एक शिक्षक को भिक्षण काल में लगा दिया गया है, एक शिक्षक बीओ के पास प्रतिनियुक्त है, एक शिक्षक है जो हमेशा 11 बजे 10 बजे आते हैं, उनको जो है ड्यूटी खोजने के कारण यह सारी साजिश उनके द्वारा रची गई। वह कोचिंग कराते हैं, उनका क्या नाम है सर? मोहम्मद आयतुल्ला। वह कोचिंग कराते हैं, वह खोजने पर अभी रजिस्टर में उनका 4 दिन से एक शिक्षक होने के 2 शिक्षक तो प्रतिनियुक्त है, एक इंटर में भिक्षण काल में थे, वो बीओ के प्रतिनियुक्त थे वो शिक्षक, और वह भी 11 बजे आए तो कैसे गए? अच्छा, ये जो जितना व्यवस्था है जो विद्यालय का या शिक्षक विभाग, और आपके यहाँ शायद प्लस टू विद्यालय भी हो रही है, तो क्या गवर्नमेंट अभी प्लस टू के लिए भी कोई शिक्षक अभी नहीं दिए? कोई शिक्षक नहीं, पर प्लस टू को छोड़ दीजिए, हाई स्कूल में कोई शिक्षक नहीं, दो शिक्षक मेरे ही विद्यालय से प्रतिनियुक्त है, एक शिक्षक दूसरे विद्यालय से प्रतिनियुक्त, मिडिल सेक्शन से 3 शिक्षक प्रतिनियुक्त। यहाँ पर लोगों को कहा, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत से अरुण जी जो सर हैं हमारे हिमाचल, उनके व्यवहार सब जो क्षुब्ध है, अभिभावक जो कह रहे हैं कथित बात है कि क्षुब्ध है, वो काहे नहीं अपना ट्रांसफर अन्यत्र करा लेते हैं, जबकि सरकारी प्रतिष्ठान है, हो सकता है कहीं भी अपना सेवा सरकार को दे सकते हैं, तो इस संबंध में आप क्या करिएगा? इसमें तो बहुत पहले से पहले मैं ट्रांसफर के लिए बहुत पहले से पहले मैं आवेदन भी दिया था।